नमस्कार। तो आज है 7 जुलाई, तो देखते हैं आज द हिंदू न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ हैं। ठीक है, तो देखिए, जब को पहला न्यूज़ कहता है, ये कह रहा है एनसीपी दिल्ली मीटिंग एक्सपेल अजीत पवार और 11 अदर पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, बात इतनी सी है कि ये जो तो महाराष्ट्र में क्राइसिस हो रही है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की ये लग रही है कि दिल्ली में मीटिंग बैठने वाली थी, लेकिन ये एक्सपेल कर दिया गया अजित पवार के लिए। ठीक है, अब देखते हैं मीटिंग अगला कहाँ बैठती है। तो ओवरऑल दिल्ली, ये महाराष्ट्र क्राइसिस पे डिपेंड है, ये ओवरऑल आपको डिपेंड करता है 2024 के जो इलेक्शन है उस पर बहुत ही बेहतर असर छोड़ने वाला है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। इस न्यूज़ में तो कुछ खास बातें नहीं। तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बींग मिस यूज इन कर्नाटका बाई एंटी इंडिया एलिमेंट। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके जो कह सकते हैं स्पोक पर्सन, ऑफिशियल स्पोक पर्सन है अरविंद बग्गी साहब ने, उन्होंने कहा है कि कनाडा जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज़ कर रहा है। अब देख लीजिएगा कि अब कुछ दिनों से जो खालिस्तानी वाले जो मूवमेंट हो रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट के जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पोस्टर दिखाई जा रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं उसके तौर पर कह सकते हैं, तो उसके लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये स्टेटमेंट आया है कि कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज़ कर रहा है। अब देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से स्टेटमेंट आया, मीन्स कि ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटस है, स्टेटमेंट है, इंडियन का स्टेटमेंट है। तो देखते हैं इसके लिए कनाडा के क्या मूवमेंट लेती है, क्या करती है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है, आज वैसे उतनी न्यूज़ है नहीं, 4-5 न्यूज़ है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या। तो देखिए, चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च होने वाला है उसकी डेट आ गई है। उसकी डेट आप देख लीजिए, 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और इसकी जो लैंडिंग होगी वो अगस्त 23 या अगस्त 24 को होगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ है। ये कब बोला गया, ये तो ये G20 का मीटिंग हो रहा था, उसमें इन्होंने कहा है, जो इसरो के चेयरमैन है S. सोमनाथ साहब ने, उन्होंने कहा है कि इसकी लॉन्चिंग जो होने वाली है 14 जुलाई को होने वाली है, सब कुछ तैयार है। ठीक, आज देख लीजिए 7 जुलाई है, तो इसके अगले ठीक इसकी आज ही के दिन अगले वीक में ये होगा, और इसकी लैंडिंग होगी जो लूनर लैंडिंग होती है रोवर की, तो वो आपका होगा 23 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देख लीजिए, नेक्स्ट न्यूज़ आपका यहाँ है, क्या कहता है हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि UGC को डिटेल एक्शन एक्शन है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट UGC को बोला है कि आप डिटेल एक्शन टेकन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाइए। देख लीजिएगा, आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया जो स्टूडेंट थे, आपको पिछले 4-5-6 सालों में देखिएगा, तो एक आपका देखिए केस आया था रोहित बमुला का केस था आपका, जो उसमें सुसाइड कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद पायल तड़वी का एक केस है, जो कि इन लोगों ने अपनी लाइफ एंड कर ली सुसाइड करके, ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जातीय भेदभाव की जा रही थी जिस कारण में। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कि डिटेल एक्शन मांगा है कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर UGC डिटेल एक्शन क्या प्लान कर रही है, और बोला है कि अगर उसमें कुछ बेहतर और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो की जाए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। देखिएगा, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो वॉगनर चिप हैं वो रशिया में ही छिपे हुए हैं या उनको रखा गया है। ठीक है, जो बेलारूस के आपके हैं अलेक्जेंडर लुकेंसो, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो वॉगनर के चिप हैं वो रशिया में ही हैं। अब देख लीजिए, वॉगनर क्या होता है और ये है कौन सा ग्रुप, तो इसके लिए मैंने आपको पिछले 2-3 जो न्यूज़ लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि सॉरी कि वैगनर का ग्रुप क्या है। ठीक है, अब बेलारूस देखिए आपका पड़ोसी देश है उसके, रशिया के, तो उन्होंने ये क्लेम किया है। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रशिया में ही है वैगनर ग्रुप। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखिएगा, ये थोड़ा ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि फूड प्लेट कॉस्ट रोज अगेन इन जून। ठीक है, कहा जा रहा है कि महंगाई, खाने की महंगाई, जो खाने पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसकी महंगाई वापस बढ़ गई है जून में। ठीक है, ये कौन कह रहा है, क्रिसिल कह रहा है। देखिए, फूड क्या कह रहा है, फूड प्राइसेस रोज कर दिया गया है कि सेकेंड टाइम हुआ है, ठीक मतलब कि जून के महीने में, आफ्टर द 7 मंथ कूलिंग बट स्टिल बैक। ठीक है, क्रिसिल जो है, क्रिसिल ने रिपोर्ट जारी की, उसने कहा है कि मील ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाई अ 5.2 स्पैक, यानी 5% की दर से खाने की खाद्य पदार्थ की मतलब जो कह सकते हैं महंगाई बढ़ी है। ठीक है, और जो वेजिटेरियन थाली है उसके 3% के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, अब जो देखिए कह रहा है कि टोटल महंगाई ऐसे रूप में बढ़ी कैसे है, तो देखिए प्राइजेज ऑफ बोथ द प्लेट वेयर द 5% लोअर देन द जून। देखिए, आप आज जो प्लेट की दाम है ना, खाने की मतलब कह सकते हैं खाद्य पदार्थ की दाम है ना,
वो पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ गया है। ठीक, 5% बढ़ा है, जिस पर कह रहा है कि एडिबल ऑयल्स के दाम बढ़े हैं, अप स्टिक के दाम बढ़े हैं। ठीक है, आपको देख लीजिए पल्सेस दाल के दाम बढ़े हैं। उसके बाद बात करता है आपका कि सेरल्स अनाज के दाम बढ़े हैं, चिकन्स के दाम बढ़े हैं। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल में तो खाने के दाम बढ़े ही हैं, तो सेवर अब कह रहा है कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो एक साल से दूसरे टाइम में कूदने पर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया। जैसे राइस चावल के दाम बढ़े हैं, दाल के दाम बढ़े हैं, आटे के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम तो आप लोग देख रहे होंगे आजकल मार्केट में कितनी ज़्यादा प्राइस पर बिक रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्रिसल्स ने बताया है कि ऐसे ऐसे दाम बढ़ गए हैं इतने इतने। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा और बढ़े। ठीक, तो ये ओवरऑल न्यूज़ है, क्रिसल्स की रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन पर, फूड डिस्पेंसर पर। चलते हम नेक्स्ट न्यूज़। देखिए जो आपका नेक्स्ट टास्क के लिए ये आपका लास्ट न्यूज़ बन जाएगा। देखिए कहता है नो आउटसाइडर बिंग अलॉटेड लैंड इन जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन है ऑन PDP चीफ चार्जेस पर उन्होंने कहा है कि नो आउटसाइडर बिंग अलॉटेड लैंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी बाहर वाले को आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, ऐसा ज़मीन के अलाव नहीं करा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। अब देखिए ये एक इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा, आपको कहेगा कि मतलब कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A है क्या, वो आपको पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपका कहेगा कि जो ये 370 जब हटाई गई थी, ठीक, तो ये कौन से मतलब किस ईयर में लगाया हटाया गया, तो इसका डेट क्या था, तो 5 अगस्त 2019 को ये हटाया गया था। ठीक, अब उसके हिसाब से देखिए तो ये ओवरऑल आपका न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये PDP चीफ कहते हैं, तो PDP किस पार्टी से, तो आप लोगों को पता होगा बहुत प्रोमिनेंट और कह सकते हैं बहुत ही फेमस इन फेमस लीडर कह सकते हो PDP के हैं, जो महबूबा मुफ्ती साहब हैं। ठीक, तो वो महबूबा मुफ्ती मुफ्ती साहब की जो पार्टी है उनके डॉक्टर है ये महबूबा मुफ्ती। ठीक, तो ओवरऑल आज का ये न्यूज़ है। ठीक है, 4-5 जो न्यूज़ है मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं एडिटोरियल की, तो एडिटोरियल का वीडियो आपको अब मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में एडिटोरियल। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।